बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन. अब मैं वीडियोज अपलोड करूंगी तो आपको पता तो होना चाहिए ना, सो प्लीज जल्दी से कर दीजिए. फेस मास्क लगा के देख लिए, फेस जेल का इस्तेमाल कर लिया, अलग अलग प्रकार के फेशियल्स भी करवा के देख लिए, हर तरह का DIY रेमेडी हमने ट्राई कर लिया, लेकिन चेहरे पर वो जो ग्लो होता है, वो जो चार्म होता है, वो कभी भी अचीव नहीं हो पाता. देखिए, आज मैं आप लोगों के साथ एक विटामिन सी टोनर शेयर कर रही हूँ जो कि आपकी स्किन को ना सिर्फ वाइब्रेंट लेकिन बहुत ही खूबसूरती के साथ हर प्रकार की परेशानी से प्रोटेक्ट करेगा. सबसे पहली चीज जो आपको चाहिए वो है गुलाब जल. आप जिस गुलाब जल के लिए कंफर्टेबल हैं, यूज करते आ रहे हैं, काफी पॉजिटिव है, उसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं. यहाँ पर मैंने एक कप गुलाब जल का इस्तेमाल किया है और इसमें मुझे लेना है द मोस्ट पावर पैक्ड इंग्रेडिएंट ओवर हियर, जो कि है ऑरेंज पील पाउडर, यानी कि संतरे के जो छिलके होते हैं उनको मैंने छाया में सुखाकर और जब वो सूख गए तो उसको पाउडर में तब्दील कर लिया है. इसी पाउडर का एक बड़ा चम्मच मैंने एक कप गुलाब जल में लिया है और इसको अच्छे से इन्फ्यूज़ होने के लिए छोड़ दिया है कम से कम 15 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा. वैसे तो इस पाउडर के जो ग्रैन्यूल्स होते हैं, जो कण होते हैं, वो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं आपकी स्किन के लिए. आप इसको डायरेक्टली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर इन्फ्यूज़न किया जाता है गुलाब जल, जो कि एक डिस्टिल्ड वाटर है, तो इसकी जो पोटेंसी होती है, जो ताकत होती है, वो कई गुना बढ़ जाती है. जब ये इन्फ्यूज़न अच्छे से हो जाए उसके बाद आप इसको छन्नी की मदद से पूरा का पूरा ले लीजिए. अब जो आपके पास लिक्विड आया है उसमें डिस्टिल्ड वाटर, गुलाब जल की बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ हैं और विटामिन सी का भरपूर मात्रा में इन्फ्यूज़न हो चुका है. अगर आप इस टोनर की तुलना मार्केट में अवेलेबल किसी भी विटामिन सी टोनर से करते हैं तो आप हैरान हो जाएंगे, क्योंकि ये कहीं से भी कम नहीं होगा. हाँ, कम होगा, लेकिन सिर्फ प्राइस में, क्योंकि मार्केट बेस्ड विटामिन सी टोनर्स जितने भी अवेलेबल हैं वो सभी 8,000, 9,000 और भी कई महंगे अवेलेबल हैं, लेकिन ये टोनर आपको मात्र गुलाब जल की कॉस्ट में अवेलेबल हो जाएगा. और रिजल्ट्स के बारे में तो आप पूछिए ही मत. विटामिन सी टोनर में होते हैं बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स जो कि आपके चेहरे को ना सिर्फ स्मूथ, ना सिर्फ रेडिएंट, ना सिर्फ कॉम्प्लेक्शन करेक्शन, बल्कि यूवी प्रोटेक्शन भी प्रोवाइड करते हैं. जी हाँ, यानी कि अगर आपने सनस्क्रीन वेयर नहीं किया है तो भी आपकी स्किन कंपैरेटिवली काफ़ी स्ट्रांग होती है अगर आप इस विटामिन सी टोनर का इस्तेमाल रेगुलरली करते हैं. तो ये जो छनकर आया है इसका भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ बॉडी स्क्रब. इसको आप बिल्कुल भी फेंकने की चेष्टा ना करें. अगला इंग्रेडिएंट जो आपको यहाँ पर इस्तेमाल करना है वो सब्स्टिट्यूट है हाइलुरोनिक एसिड का. जी हाँ, वही इतना महंगा एसिड जो आप परचेज करते हैं उसी का सब्स्टिट्यूट होता है ग्लिसरीन. जी हाँ, बहुत ही चीप, इजीली अवेलेबल. तो यहाँ पर जो एक कप आपने रेडी किया है विटामिन सी टोनर, इसमें आपको लेना है 1/2 टीस्पून ऑफ ग्लिसरीन और अच्छे से शेक करके रख लेना है अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो. लेकिन अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है या सर्दियों में ड्राई हो जाती है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप एक बड़ा चम्मच ग्लिसरीन का लीजिए और इसमें मात्र आधा कप ही इस टोनर का इन्फ्यूज़ कीजिए. देखिए, ग्लिसरीन मैंने आपको कहा हाइलुरोनिक एसिड होता है जिसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ आपकी स्किन को मिलती हैं. मॉइस्चर मिलता है, गजब का रेडियंस मिलता है और टोनर से सारी की सारी विटामिन सी की जो बेहतरीन प्रॉपर्टीज़ हैं वो आप अपनी स्किन को प्रोवाइड करते हैं. तो अगर आपकी ड्राई स्किन है या ड्राई स्किन हो जाती है तो एक बड़ा चम्मच ग्लिसरीन, और अगर आपकी ऑयली टू कॉम्बिनेशन स्किन है तो आधा चम्मच ग्लिसरीन का ही आप इस्तेमाल करेंगे. अगला मैजिकल इंग्रेडिएंट जो हम यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे वो है विटामिन ई ऑयल. देखिए, हमारा शरीर विटामिन ई अपने आप बनाता है, इसीलिए टॉपिकल एप्लीकेशन करते ही हमारी स्किन इसको झट से पहचान जाती है और गजब के रिजल्ट्स देती है. और तो और, ये आपके टोनर में प्रिजर्वेटिव का भी काम करेगा, इसीलिए आपका टोनर कुछ दिन और चलेगा, थोड़ा और लंबा चलेगा. हालांकि ये ऑर्गेनिक चीज़ें हैं तो प्लीज़ ये एक्सपेक्ट ना करें कि ये सालों साल चलेगा. इसको आप रेफ्रिजरेट करके रख दीजिए और ये टोनर आपका आराम से चलेगा 10 दिन तक, बल्कि ज़्यादा चल सकता है, लेकिन मैं आपको छोटा ब्रैकेट बता रही हूं. विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से काफी ज्यादा फोटोसेंसिटिव होता है, यानी कि लाइट से ये काफी जल्दी ऑक्सीडाइज हो जाता है. इसीलिए कोशिश कीजिए कि आप एक डार्क बॉटल में इसको स्टोर करें. डार्क बॉटल में स्टोर करने से लाइट इस तक जल्दी नहीं पहुंचेगी और इसकी लाइफ थोड़ी लंबी होगी, यानी कि आप ज्यादा दिनों तक इसका इस्तेमाल कर पाएंगे. अगर आपके पास रेफ्रिजरेटर है तो द बेस्ट वे कि आप इसको रेफ्रिजरेट कर लीजिए. अगर रेफ्रिजरेटर नहीं है तो हफ्ते भर के लिए आपका टोनर बनकर रेडी हो चुका है. इसकी कंसिस्टेंसी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होती है, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही लिक्विडी हो, हल्का सा थिकर कंसिस्टेंसी में होगा और जैसे ही आप इसको कुछ दिन रहने देंगे तो ये थोड़ा और थिक हो जाएगा. इसका एप्लीकेशन बहुत ही आसान है, जितनी भी बार आप मुँह धोएं
जितनी भी बार आप मुंह धोएं उसके बाद आप इसको टैप करते हुए अपने चेहरे पर लगाएंगे और इसको इन्फ्यूज होने देंगे, यानी कि अपने आप अपने स्किन को इसे खाने देंगे। जी हाँ, आपकी त्वचा को आपका दूसरा मुंह कहा जाता है और आपकी त्वचा भी चीजें खाती है। जब आप इस टोनर का रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको अपनी स्किन इतनी सफल दिखेगी कि मैं आपको नहीं बता सकती। अगर आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई है तो मैं सजेस्ट करूंगी कि इस टोनर के ऊपर आप मॉइस्चराइजर का भी इस्तेमाल करें, ताकि जो विटामिन सी टोनर हमने इस्तेमाल किया है उसका मॉइस्चर लॉक हो सके, उसकी जो बेहतरीन प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी स्किन को मिल सके और आपकी स्किन इतनी रेडिएंट हो जाए, इतनी ग्लॉसियर हो जाए, इतनी शाइनी हो जाए कि आप हैरान हो जाए कि अभी तक हम इतने महंगे विटामिन सी टोनर ले क्यों रहे थे भाई।